नमस्कार दोस्तों, इस अभियान में मिशन कलेक्टर के अभियान में जिस तरह से आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आप में से कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पर भी एक परिचर्चा जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाए, परिचर्चा के बजाय एक क्लास उपलब्ध करवाई जाए, तो आज का विषय इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और मैं किसी सामान्य एक सिद्धांत के बजाय कुछ सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस को लूँगा जो पूछे गए हैं, और उनका जवाब कैसे दिया गया है इसको थोड़ा सा आपको समझना है। UPPCS 2017 के इंटरव्यू में एक दिलचस्प सवाल पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, या हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की प्रशासनिक अभिक्षमता को जांचा गया है या जांचे जाने की कोशिश की गई कि एक मंत्री जी हैं जो गांव के दौरे पर जाते हैं और आप एक उनके सुरक्षा अधिकारी हैं। दौरे के दौरान उनके जूते में कीचड़ लग जाता है, मंत्री जी आपसे कीचड़ साफ करने के लिए कहते हैं, आप कीचड़ साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपने कीचड़ साफ नहीं किया तो मंत्री जी ने SSP से शिकायत की, SSP ने आपको बुलाया है, आप क्या जवाब देंगे? दरअसल इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या जवाब देंगे, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ऊपरी तौर पर दिखते हैं, लेकिन यह किसी विद्यार्थी की निर्णय क्षमता और प्रशासनिक अभिक्षमता को भी जांचते हैं। और इस दृष्टि से ये क्वेश्चंस क्या है, कब कोई घटना घटित हुई, किसने क्या कहा था, क्यों कोई चीज हुई, उसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, इस तरह के जो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसको एक हम अपनी सुविधा से कह सकते हैं कि जानकारी आधारित प्रश्न और दूसरा समझदारी आधारित प्रश्न, उससे भिन्न होते हैं। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो UPPCS 2017 में इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका जवाब क्या हो सकता है? तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जूते पर लगे कीचड़ को आप साफ कर देंगे और मंत्री जी को आनंद आ जाएगा। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि आप स्पष्ट तौर पर मना कर देंगे, आप में सिंघम की आत्मा आ जाएगी कि नहीं, ये तो मैं काम नहीं कर सकता। तीसरा ये हो सकता है कि किसी मंत्री जी के निजी नौकर को बुलाकर ये आदेश देंगे कि मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको करो। चौथा यह हो सकता है कि आप जो है अनसुना कर देंगे, या अनसुना करने का कि आपने सुना ही नहीं, अनसुना करने का एक जो है दिखावा करेंगे। इसमें हम लोग पहले विकल्प को लेते हैं कि अगर कोई सुरक्षा अधिकारी जो जाहिर तौर पर DSP रैंक का है, क्योंकि UPPCS में पूछा गया सवाल है तो यह एक DSP से ही पूछा जा रहा है, तो एक DSP रैंक का अधिकारी अगर एक मंत्री के जूते पर लगे कीचड़ को साफ करता है तो मंत्री का निजी नौकर जैसा हो जाता है, उसके पद की गरिमा समाप्त हो जाती है, वहां पर आसपास खड़े लोगों के सामने एक पब्लिक सर्वेंट की, एक पुलिस ऑफिसर की जो छवि बननी चाहिए वह छवि भी वहां पर नहीं बन रही है, और जो सिविल सेवा आचरण नियमावली में जो आचरण संहिता के आचरण के बारे में जो सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, वे सामान्य सिद्धांतों को भी क्या है यहाँ पर उपेक्षित किया जा रहा है या नकारा जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि भविष्य की जो चीज़ें हैं, जो भविष्य में भी इस तरह की जो फरमाइशें हैं वो हो सकती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को आधार बनाकर हम स्पष्ट तौर पर मना भी कर सकते हैं, और जब SSP मीटिंग में बुलाएंगे तो इन कारणों को भी हम क्या है बता सकते हैं। दरअसल ये बात आपको वहाँ पर कहनी पड़ेगी कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं पर्सनल कैपेसिटी में मंत्री जी के, मैं पर्सनल कैपेसिटी में
काम मंत्री जी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, और इसलिए जो है यह एक बहुत ही शोभनीय आचरण नहीं होगा मेरी सार्वजनिक जो अधिकारी की जो छवि है उसके संदर्भ में, और इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को एसएसपी के सामने आप वहां पर उठाकर उन पर मत को या अपने बातों के द्वारा उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ऐसे सवालों में आपकी प्रशासनिक अभिक्षमता, आपकी सहज बुद्धि भी, और इसके साथ ही कि एक प्रशासनिक जीवन में एक अधिकारी के सामने जो व्यवहारिक किस्म की इस तरह के दबाव होते हैं, उन दबावों का सामना आप कैसे कर पाएंगे, आप अपना टेम्परामेंट, आप अपना कूल खोएंगे या नहीं खोएंगे, ये सब भी क्या है इसमें चेक किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर यह है, दूसरी बात यहाँ पर दूसरे तरह का सवाल ये है कि एक बार यह सवाल पूछा गया, या इसी बार का 2017 का एक सवाल पूछा गया है कि आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिस क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव के हालात हैं, तो सांप्रदायिक तनाव के इस हालात को कैसे आप नियंत्रित करेंगे। अगर इस सवाल को हम देखें तो एक प्रशासनिक अधिकारी सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण के संदर्भ में उसे क्या क्या उपाय उठाने चाहिए, इस पर पूछा गया है। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि सांप्रदायिक तनाव के संदर्भ में क्या क्या हो सकता है। एक बहुत फेमस किताब है कलेक्टर टुडे, आलोक रंजन जी यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं, उन्होंने उसमें बहुत सी ऐसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने आने वाली ऐसी जो चुनौतियां हैं और ऐसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव को बयान किया है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं उन दंगों के नियंत्रण के संदर्भ में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ क्रम की जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं कि क्या हो सकता है सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में। यहाँ पर एक राइट कंट्रोल के संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि आप जिस क्षेत्र में नियुक्त हो रहे हैं उस क्षेत्र में अगर दंगों का कोई इतिहास रहा है तो उस रिपोर्ट का अध्ययन करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई स्थानीय कारक तो जिम्मेदार नहीं है, या फिर अन्य कारकों को भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी का दंगा भड़काने वाले लोगों और दंगे के नियंत्रण में मदद करने वाले लोगों, दोनों तरह के लोगों से संपर्क होना चाहिए। क्यों? दंगा भड़काने वाले लोगों से क्यों? क्योंकि अधिकारी जिससे जन भावनाओं को समझ सके और इन सूचनाओं के आधार पर वह उपयुक्त निर्णय कर सके। तो एक तो है कि अगर हम लोग दंगे के होने के पहले की स्थिति की बात करें तो आपको थोड़ा सा उस क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। आपको अगर उसमें वहाँ पर दंगों का, सांप्रदायिक तनाव का कोई भी इतिहास रहा है तो वह भी क्या है आपको पता होना चाहिए। दूसरा, संपर्क के संदर्भ में भी क्या है चीज़ें होनी चाहिए कि आपका संपर्क अच्छा होना चाहिए और संपर्क दोनों प्रकार के लोगों से अच्छा होना चाहिए ताकि आप उपयुक्त निर्णय क्या ले सकें। तीसरी बात यहाँ पर यह कि विवादों का कई बार जो संबंध होता है, कुछ जो विवाद होते हैं उन विवादों में ये संभावनाएं होती हैं कि वे सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक दंगे के रूप में परिणित हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये बात ध्यान में रखने की है कि जैसे जमीन के विवाद, मंदिर और मस्जिद के विवाद, लड़कियों के मामले में अगर उन लड़कियों के मामले में अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, इन विवादों के सांप्रदायिक रंग में रंगने या तूल पकड़ने की संभावनाएं होती हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर प्रशासन ने शुरू में ही कुछ विवादों का निर्णायक निपटारा त्वरित रूप में कर लिया होता तो शायद इतनी बड़ी जो एक बड़ा जो हादसा हुआ दंगे के रूप में वह नहीं होता। तो
जमीन से संबंधित जो विवाद है उसमें सांप्रदायिक रंग आ सकता है, मंदिर मस्जिद से संबंधित विवाद, या फिर यहाँ पर लड़कियों के मामले में जो दुर्व्यवहार का जो मामला होता है, छेड़खानी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनके सांप्रदायिक तौर पर तूल पकड़ने की संभावनाएं होती हैं, तो एक सक्षम अधिकारी ऐसे विवादों पर तुरंत क्या ध्यान रखता है। जैसे आप ये देखेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले मुहर्रम के ताजिया जुलूस के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील में एक मामला आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पिताजी को एक पहले से ही प्रशासन ने क्या है नज़रबंद कर दिया। यहाँ पर आप ये पाएंगे कि मुद्दा वहाँ पर यह था कि एक मंदिर में भंडारा होना था और उसी मंदिर के सामने की सड़क से ताजिया जुलूस जाता था, तो यहाँ पर पिछले कई सालों से वहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्या है तनाव हो रहा था, तो प्रशासन ने 2-3 साल से ये निर्णय किया था कि भाई उस दिन विशेष पर, मुहर्रम के दिन विशेष पर इस प्रकार का भंडारा क्या है नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे विवादों के बारे में, ऐसे विवाद जो एक बहुत बड़े वास्तव में हादसे के रूप में परिवर्तित होने की संभावना रखते हैं, उन पर प्रशासन को बहुत सतर्क निगाह रखनी चाहिए। हालांकि ये क्राउड मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है, तो सबसे पहले दंगों की रिपोर्ट को जानकर उसके स्थानीय कारकों, अन्य कारकों को आपको समझना होगा। आपको दंगा भड़काने वाले लोगों के बारे में भी सूचनाएं और आपके संपर्क होने चाहिए, और दंगे को नियंत्रित करने में मदद करने वाले प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए लोग और दूसरे जो लोग हैं उनसे भी आपके संपर्क होने चाहिए। विवादों, अगर कोई जमीन विवाद है, मंदिर मस्जिद विवाद है, तो उसका निर्णायक निपटारा होना चाहिए। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ जो है मुहिम और कार्रवाई भी दंगों के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तनाव होते हैं, उनमें हमेशा ये पाया जाता है कि कानून को हाथ में लेने वाले समाज विरोधी तत्व होते हैं, जो कुछ चीज़ों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और उसको बड़े रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या कार्रवाई करने का प्रशासन का निर्णय आपको त्वरित तरीके से लागू करना पड़ेगा। फिर एक और बात कही जाती है कि कई बार अधिकारी ये सोचते हैं कि जब दंगे हों तभी हम समुदाय के दोनों, या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दो बड़े समुदाय हैं, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उनके जो प्रभावी लोग हैं उनको अमन, उनके द्वारा अमन मिलाकर अमन कमेटियां बनाई जाएं और उन अमन कमेटियों से उनसे अपील जारी करवाई जाए। लेकिन सक्षम अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये अमन कमेटियां दंगों के समय ही नहीं, दरअसल ये शांति के समय भी क्या है स्थापित होनी चाहिए, और इनमें केवल और केवल अच्छे लोगों को ही नहीं, बल्कि जो समस्या या परेशानी खड़े करने वाले लोग हैं उनको भी सार्वजनिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन पर वे जो है प्रभावी अंकुश के तहत क्या है आ सके। इसके साथ ही दो समुदायों के बीच में तनाव है, और अगर उनके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, अगर उनके घर परिवार से जुड़ा हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का कोई भेद नहीं होता है, प्रशासन ऐसे मुहिम अभियान या कार्यक्रम चलाता है, तो कई बार किसी जगह विशेष पर रहने वाले जो विभिन्न कम्युनिटी के लोग होते हैं एकजुट होकर एकजुट होकर प्रशासन से अपील करते हैं, और इस तरह से दंगों के लिए जो दिमागों में जो नफरत पलती है, जो नफरत स्थान पाती है, उसके बजाय कुछ दूसरी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती है। इसीलिए जैसे कई बार कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर सड़कों पर जिन लोगों ने जगह कब्जा कर लिया है, उस कब्जे के विरोध में कार्रवाइयाँ शुरू करके हिंदू मुस्लिम की एकता को जाने अनजाने मजबूत किया, और इसके वजह से वहाँ पर जो एक तनाव था, एक वैमनस्य था, वो कम हुआ। इसके साथ ही दंगों को नियंत्रित करने में कर्फ्यू का भी प्रयोग किया जा सकता है, और कुछ ऐसे लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो
जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक अधिकारी के रूप में दो तनाव, दो समुदायों के बीच में तनाव है, उस तनाव का आप नियंत्रण कैसे करेंगे, तो इसमें से कुछ तत्व आपको बताने पड़ेंगे कि सबसे पहले तो मैं एक जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर पहले रही हैं, फिर मैं सभी तरह के लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करूंगा, फिर ऐसे कोई जमीन के विवाद हैं, मंदिर के विवाद हैं, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि उनका निपटारा निर्णायक तौर पर हो, ताकि ऐसे विवाद जो हैं वो सांप्रदायिक रंग में न रंगे। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ जब प्रशासन मुहिम और कार्रवाई करता है तो प्रशासन का एक भय और उसकी निष्पक्षता स्थापित होती है, और इससे भी दंगों में जो समाज विरोधी तत्व जो शामिल कई बार होते हैं वो डर कर हिंसात्मक कार्रवाइयों की तरफ या हिंसा के कार्य की तरफ नहीं जाते हैं। अमन कमेटियां बनाना, कुछ प्रशासन के द्वारा ऐसे मुहिम अभियान, ऐसे कार्यक्रम चलाना जिससे लोगों के दिमाग में जो चीज़ें पल रही हो उनके बजाय उन समस्याओं का निराकरण करना महत्वपूर्ण हो जाए। जैसे अगर मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन के बाद अगर हेलमेट पर और दूसरी चीज़ों पर अगर मान लीजिए कि बहुत जुर्म चालान कटने की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहाँ पर उनके दिमाग में वो परेशानी वाली बात क्या है चलेगी, फिर कर्फ्यू लगाना और गिरफ्तारी। एक तीसरे प्रकार का सवाल आता है कि आप भीड़ का नियंत्रण कैसे करेंगे, क्राउड मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, और इस क्राउड मैनेजमेंट के संदर्भ में यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनको क्या है ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात देखिए ये है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भीड़ किस प्रकार की है। अगर कोई स्वतः स्फूर्त भीड़ है तो वहां पर भीड़ प्रबंधन या नियंत्रण के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे किसी मर्डर के रिएक्शन में कोई भीड़ एकजुट हुई है तो वह एक स्वतः स्फूर्त भीड़ है और वह वहां पर कुछ हिंसा करने पर आमादा है। किसी एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं तो वह भी एक स्वतः स्फूर्त भीड़ है। पुलिस हिरासत में किसी की मौत हुई है तो वहां पर भी एक स्वतः स्फूर्त भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो ऐसे मामलों में क्राउड मैनेजमेंट और किसानों का कलेक्ट्री पर धरना हो रहा है, वहां पर जो भीड़ का जो तत्व है वो दोनों क्या है अलग अलग हैं। तो इनको क्या है आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों को आपको डायग्नोस करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि भीड़ नियंत्रण या प्रबंधन का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि अगर आपको अंदेशा हो तो आप भीड़ को किसी जगह विशेष पर एकत्रित ही न होने दें। और फिर मैं यहां पर उदाहरण लूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए तो वहां पर जो पंचायतें हुई, अगर उन पंचायतों को पहले रोका जाता तो हमने एक लोगों के समूह को उत्तेजित होने या उनको उकसावा मिलने के बाद एक विशेष प्रतिक्रिया करने से क्या कर दिया, रोक दिया। कश्मीर के हालात में भी आप देखेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट के, क्राउड कंट्रोल के जो ये सिद्धांत हैं उस सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। और फिर मैं यहाँ उदाहरण लूंगा कि प्रतापगढ़ के कुंडा में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस निकालने के समय हिंदू मुस्लिम कोई सांप्रदायिक तनाव न हो, इसलिए वहां पर इस आशंका या इस चीज से बचने के लिए कुछ भीड़ को, भंडारे की भीड़ को प्रशासन ने परमिट ही नहीं किया। तो यहां पर एक सामान्य सिद्धांत तो यह है। दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो गई है तो भीड़ को छितर बितर करने के तरीके प्रशासनिक अधिकारियों के पास होने चाहिए। आंसू गैस का इस्तेमाल, जैसे जो एक मॉब लिंचिंग की घटना बुलंदशहर में हुई थी जिसमें बुलंदशहर के पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को भीड़ ने मार दिया था, वहां पर यह कहा गया कि जो यूपी पुलिस है उसके सभी थानों के पास
या सभी जो स्टेशंस हैं वहाँ पर आंसू गैस उपलब्ध नहीं है, ये केवल शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध है और बड़े शहरों में उपलब्ध है। तो पुलिस के पास जब आंसू गैस के स्प्रेड करने का एक मैकेनिज्म होता है, तो जो भीड़ है उसको बिना कोई क्षति पहुंचाए तितर बितर किया जा सकता है। तीसरा, लाठी चार्ज करवाना, और कुछ प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं, जैसे यूपी कैडर के एक IAS अधिकारी हैं आलोक रंजन साहब, उनका कहना है कि लाठी चार्ज सबसे दुरुस्त तरीका होता है, सबसे सक्षम तरीका होता है। लाठी चार्ज का समय और लाठी चार्ज करने वालों की पर्याप्तता, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि न्यूनतम अगर समय ठीक है, समय का चुनाव सही तरीके से किया गया, तो न्यूनतम बल प्रयोग से अधिकतम नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कि अगर एक व्यक्ति जो मतदान करते समय कोई गड़बड़ी कर रहा है और उस गड़बड़ी के एवज में जब उसे पकड़ा गया, तो वह जो है वहाँ पर कुछ लोगों को जुटाकर उकसा रहा है कि वह केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के खिलाफ जो है वह उकसावा कर रहा है, जिससे संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अगर पुलिस बल वहाँ पर तुरंत लाठी चार्ज करते हैं और पूरी ताकत के साथ करते हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल शुरुआत में किया गया, तो इससे क्या है एकजुट होने का मौका नहीं मिलता। बाद में तो फिर सब कुछ क्या है बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाता है, तो लाठी चार्ज। फिर इसके साथ ही आप देखेंगे कि अंतिम जो विकल्प होता है वह गोलीबारी का होता है, और UPPCS का एक सुपरहिट सवाल है कि इंटरव्यू का सुपरहिट सवाल है कि बताओ कि गोली चलवाओगे कि नहीं चलवाओगे। पिछले कमीशन के या जो पिछले मेंबर्स थे उनके संदर्भ में ये बात जो है अक्सर बच्चों के द्वारा उठाई जाती थी कि सर इसमें क्या उत्तर दिया जाएगा। अब बच्चे ये सोचते हैं कि महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में गोली कैसे चलवाएं, ये दोनों लोग अहिंसा का पाठ पढ़ा कर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि हमारे यहाँ जो पुलिस प्रणाली है वह सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल न करके हार्ड पावर का इस्तेमाल करती है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो हमने आज़ादी के बाद भी सॉफ्ट पुलिसिंग के तरीके हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो भारत में अभी भी क्राउड कंट्रोल का जो एक बहुत ही जाना माना तरीका है वह गोलीबारी का है। और अब यहाँ पर यह भी बात समझने की है कि व्यापक लक्ष्यों के लिए एक उपयोगितावादी सिद्धांत है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए एकाध दो को अगर आप गोली मारकर या गोली का आदेश देकर उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप सटका भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो बात है वह यह भी है कि गोलीबारी बहुत अपवाद परिस्थितियों में जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाती है तो पुलिस अधिकारी स्वयं इसका निर्णय लेते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर होता यह है कि DM के आदेश से ही गोली का आदेश या गोली चलाई जा सकती है। और इसमें आलोक रंजन जी ने अपनी किताब कलेक्टर टुडे में लिखा कि हमेशा यह वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में होना चाहिए, गोली हमेशा भीड़ भागने लगे तभी चलानी चाहिए, फायरिंग हमेशा भीड़ भागने लगे तभी चलानी चाहिए। और हवा में गोली चलाने का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत एकदम गलत है, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि टारगेट्स को चुनकर गोली चलानी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह भी है कि जितने जो है उकसावे वाले नेता होते हैं वो गोली चलने पर पहले भागते हैं और निर्दोष क्या है मारे जाते हैं, निर्दोष जो है वे मारे जाते हैं। तो क्राउड कंट्रोल या क्राउड मैनेजमेंट के संदर्भ में है, जैसे अभी जुलाई में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 10 आदिवासियों की हत्या हो गई जमीन विवाद में। तो जब उस इलाके में वहां के ग्राम प्रधान ने लोगों को इकट्ठा करके एक स्थान विशेष पर ले जाने की कवायद की होगी, तो अगर वहां पर अंदेशा होने पर भीड़ को इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाता तो शायद क्या है ये चीज होती नहीं पूछ यहाँ पर कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जितने भी भारत में इस तरह के चाहे वो नियोजित रूप से जो है क्राउड को इकट्ठा किया जाए या स्वतः स्फूर्त होता है,
वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखना होता है कि इनका उद्देश्य क्या है। अगर इनका उद्देश्य जो है शांतिपूर्ण है तो बात ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई उकसावा देने वाला तत्व है जो हिंसा पर उतारू हो सकता है, तो इससे कानून व्यवस्था की चीजों पर क्या होगा, असर होगा। तो कुछ सामान्य सिद्धांत है और कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। इंटरव्यू के संदर्भ में महत्वपूर्ण ये होता है कि आप इन मुद्दों को, आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार रिफ्रेश कर लें और उनके लॉजिक थोड़े आपके पास हों, जिससे कि जब उनके जस्टिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप उसको क्या है बता सके। दोस्तों, अखबारों को पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि हम केवल उसमें सूचनाएं पढ़ते हैं, हम ये नहीं देखते, हम कई बार ये नहीं देखते कि प्रशासन ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाया। तो UPPCS के और इनफैक्ट IAS के भी जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उन सिचुएशनल क्वेश्चंस में पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई काम हमसे ऐसा कहा जाता है जिस काम को करने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, तो मैं उस काम को करने से बहुत विनम्रता के साथ मना भी कर सकता हूं और अपने अपने से वरिष्ठ अधिकारी के सामने उपस्थित होने पर उसका कारण भी बता सकता हूं। एक और बात कही जाती है कि गलत चीज के लिए, अनुचित काम के लिए जब आप दबना शुरू करते हैं तो उस दबाव की कोई सीमा नहीं होती, तो यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको यह बताई गई कि जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं, उन सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि कैसे आप क्राउड को कंट्रोल करेंगे, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और इसके साथ ही कि क्या आप गोली चलाएंगे, गोली चलाने का आदेश देंगे या ऊपर से गोली चलाने का आदेश लेकर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। दरअसल होता यहाँ पर क्या है कि हम कई बार क्या है कि प्रशासन के लक्ष्यों के बजाय जो हमारे कॉमन सेंस में, जो हमारे व्यवहार में या जो हम अपने आसपास देखते हैं उनके आधार पर निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। और कई बच्चे तो जैसे सिंघम मूवी देख लिया तो सिंघम मूवी के आधार पर उनको एज्यूम होता है कि पुलिस अधिकारी जो चाहे वह कर सकता है। कुछ बच्चों ने, या कई बार हम ये भी सोचते हैं कि इसमें हमारा जो स्टैंड है वह स्टैंड जो पूछने वाले व्यक्ति की मनोदशा के अनुसार होना चाहिए, तो इनसे आपको एक दिशा मिलेगी और इस दिशा के आधार पर आप अपना एक अच्छा उत्तर क्या है आप अपना बना सकते हैं। आगे मैं एक और आपसे UPPCS के विषय पर बात करूंगा, UPPCS में पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रश्न। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के संदर्भ में भी कुछ सिचुएशनल सवाल पूछे जाते हैं, उस पर भी आपसे मैं आगे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।